तो हेलो कह दीजिए। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज अक्टूबर 12 और अभी बज रहे 8 बजने वाले और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गया। मतलब वैसे उठा तो 7 बजे था पर अभी मैं 8 बजे के टाइम छत में आया हूँ। और कल रात को मैं जल्दी सो गया क्योंकि यार मैं सोच रहा था शायद मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाऊंगा। मुझे क्योंकि एक भैया कह रहे थे कि शायद जाएंगे खेलने तो मैं बता दूंगा। उनका भी अलग ही फंडा है, मंडे टू फ्राइडे जाते हैं, सैटरडे संडे नहीं जाते। और कल का दिन यार इतना अच्छा गया पर मैं बाकी आगे का ब्लॉग नहीं बना पाया इसलिए कि पहले की जो वीडियो थी वही लेंथी बन गई थी। फिर मेरे को लगा दो ब्लॉग में डालूंगा तो फिर ज्यादा ना हो जाए। बाकी अगर दो दो ब्लॉग डालने हो डेली के तो मुझे कमेंट करके बताओ। भाई एक चीज तुमको दिखाना है क्या? रस्सी काटने की निंजा टेक्निक दिखा रहा है कि ना चाकू की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ उंगलियों की जरूरत है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। हाँ जल्दी जल्दी तेरी एक दो एक टेक्निक देखो, हाथ से ही काट दिया उसने। ओ भाई अप्लाई करके देखो शायद आपकी उंगली से भी हो जाए हाथों की। बाकी पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि 10 साल पुरानी रस्सी है। तो यार खाना तो बन गया। अब मैं अपने लिए पता क्या बनाऊंगा, रोल करके रोटियां। तो मजा आता खाने में, मैं बचपन से खाता हूँ ऐसी। मतलब अभी तो मैंने कम कर दिया खाना, बाकी बचपन में खाता था मैं ऐसी। तो भैया अपन रेडी हो रहे बाबा जी के ढाबे के पास जाने के लिए, ठीक है? मैं और रौनक जा रहा है। चिड़ मच रही है, चिड़ दीदी को। दीदी कहाँ गई? दीदी आना यार। दीदी चिड़ रही है कि हम क्यों जा रहे हैं बाहर। मुझे भी रोना आ रहा है, दीदी हमको रोक रही है। ठीक है थैंक यू दीदी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो भैया मेरे दोस्तों के कहने पे जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों के कहने पे जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने बोला है। ठीक है तो आप सबके लिए मैं जाता हूँ। अभी रेडी में हो ही गया हूँ, ये भी रेडी हो रहा है, फटाफट निकलते हैं। ये देखो अभी भी चिढ़ रही है ये कि क्यों जा रहे हैं बाहर हम, क्योंकि इसको भी जाना है बाहर। सारे मिलके हमको पागल बना। ये देखो जाना मुझे खुशी हो रही है। हाँ तो तू चली जाऊंगी। हाँ ठीक है नहीं जाएगी। तो यार हम रेडी हैं, अब सीधे निकलते हैं पूरा कवर करके अपने आपको। मैं वैसे कैप पहन के जा रहा था पर मैं अभी हेलमेट पहन रहा तो फिर कैप कहाँ जाएगी, है ना? तो मैं सीधे निकलता हूँ। सो लेट्स गो, चल चलते रहो। तो यार मैंने अपना हाथ पूरा कवर कर लिया, नहीं तो मम्मी कह रही थी कि तू ऐसे मत जा, पूरा कवर करके जा। तो मैं भी तभी कवर करके, इसने भी हाथ अपना पूरा कवर कर लिया। तो सीधे अब निकलते हैं। बनी से तो पहले मिल ले। बनी चल रहा मेरे साथ, चल रहा है ताते बता आना चाहता तो ये तातरा यार आना है, मतलब इसको नहीं आ सकता तू, नहीं आ सकता। बजाते बाकी तो बस निकलते चले। तो भाई अभी हम पावर हाउस में तो निकल ही रहे हैं पर ये है कि पूरा केयरफुल होके जाना पड़ेगा। मेरे पास लाइसेंस तो है पर थोड़ा देख के जाना पड़ता है कि यार ट्रैफिक पुलिस वाले तभी पकड़ लेते हैं, फिर टाइम वेस्ट होगा। अब मेरी क्लास भी है 2 बजे के टाइम, तो अभी मैं 12 बजे निकला हूँ तो मेरा टारगेट है 2 बजे तक मैं वापस आ जाऊँ। तो बोल रहा हूँ चल चलते हैं। तो यार मालवी नगर बस पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 2 मिनट का। हम पहुंच गए, कम 33 मिनट लगे हमें, 33 या 35 मिनट लग गए बस। अब अपन पहुंचने वाले हैं तो आपको दिखाता हूँ पूरा वेट। तो बने रहिए हमारे साथ। तो भाई फाइनली अपन आ गए बाबा के ढाबा पे, तो दिखाएगा व्यू वहाँ पर पूरा। अभी मैं आप सबको दिखाता हूँ, पास से बिल्कुल दिखाऊंगा। जस्ट मैं अभी आया हूँ तो अपने स्टैंड पे लगा रहा हूँ स्कूटी को, फिर उधर पास में लेके जाता हूँ। पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाबा जी से शायद ही मिल पाए, पर आपको मैं ये दिखा रहा हूँ इधर का, क्योंकि बाबा जी से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पहले से इतना स्टक हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। पर दूर दूर से या पास में थोड़ा सा जाके मैं आपको व्यू दिखाऊँ। भाई देखो कितना ज़्यादा लोगों ने कर रखा है यार, स्टक हो गया बिल्कुल देखो। पर बाबा जी दिख रहे हैं, खुश हो रहे हैं बाबा जी। देखो थोड़ा सा पास में आपके सामने ले जाता हूँ, मैं मास्क पहनूंगा। आधा घंटे का, आधा पौना घंटा लग गया उसके बाद पहुंचे अपन। और यहाँ पर देखते हैं
की थी भीड़, आज थोड़ी सी कम लग रही है पर बहुत ज्यादा भीड़ है। भाई एक बार देखो, बिल्कुल सस्ता माल मिलता है, बहुत बढ़िया माल मिलता है, तभी इतने लोगों की भीड़ लग रही है, नहीं तो ऐसे नहीं आ सकते, उसका भी रीज़न। तो थैंक्स टू माय फ्रेंड इंदौर का जो मेरा दोस्त, ठीक है, उसने मेरे को बोला था तब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा बाबा जी का फोकस करें। तो भैया बाबा जी के नाम पे भैया, ये बाबा जी के खुश हो रखे लोग, बाबा जी के लिए मतलब केक भी लेके आए हैं और केक लाते लाते बस खिला भी रहे हैं सभी को, हमको भी खिलाया, मेरे भाई को भी खिला रखा है। ये क्या लाइन में लगना पड़ेगा फिर यार, कुछ लेना हो तो लाइन में लग नहीं सकते भैया जी, पर कोई नहीं, बाबा जी से थोड़ी बहुत बात करके देखना हो जाए, बाबा जी पे थोड़ा सा फोकस करो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाबा जी से बात कर पाऊँ। बाबा जी थोड़ा सा हेलो कह दीजिए, थोड़ा खुश है, देखा ये होता है हैप्पीनेस, इसे कहते हैं मतलब वीडियो जैसे बना रहे सभी, सभी को खुश रखना, क्योंकि उनको साथ वालों को भी खुश रखना, सभी को खुश रखना, ठीक है, इसी देखिए। और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि मैं आया यहाँ पर, और ये उनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं जो मतलब पहले नहीं आ रहे थे, अब आ रहे, क्योंकि बाबा जी नहीं हो रहा है, तो जो बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सभी के लिए गेट है, सभी के लिए जो भी आ रहे हैं, हमने भी खाया, अभी आपने देखा होगा वीडियो में, सभी ने खाया होगा। तो भाई ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए मतलब उन्होंने लिखा हुआ है बाबा जी का ढाबा करके, देखिए बाबा जी का ढाबा सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं और ये कुछ अपना मतलब काम करें, कुछ मतलब करना है इनको, काम तो करना करवा रहे हैं। और उनका अब क्या है कि आप जोमेटो में भी देखोगे तो जोमेटो में भी आ चुके बाबा जी का, आप मंगवा सकते हैं, आस पास रहते होंगे तो मालवीय नगर से, तो आप सबके बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं जोमेटो के थ्रू, वी आर हैप्पी। अम्मा जी से, अम्मा जी का भी इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं अम्मा जी से भी बात करूँ, बाबा जी से तो आए लोग ही, पर अम्मा जी से भी अगर करके देखते हैं शायद कर पाए, तो बाकी इंटरव्यू चल रहा है, बीच में इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो अगर आपको दिखा सकते तो चल रहा है, पर देखते हैं अम्मा जी हमसे बात कर पाए तो टाइम होने की बात है। और मेरे इंदौर वाले तो बहुत खुश होने वाले हैं, मतलब थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि इंटरव्यू चल रहा है, फिर भी और भी आ रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। कोई नहीं, मैं आप सबके लिए यहाँ पर आया हूँ। तो भैया एक बार कोशिश करता हूँ बाबा जी के साथ फोटो खिंचवाने की, बाबा जी भी थोड़ा सा बिजी हैं। भैया यहाँ पर भैया सपोर्ट कर रहे हैं बाबा जी को, तो आपको भैया खुद बताएंगे क्या चीज़ कर रहे हैं। आज की डेट में ऐसे कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं, बाबा का ढाबा एक जरिया बना है हमारे लिए ताकि हम आप तक पहुंच सकें, आपको जॉब्स वगैरह दिला सकें, डायरेक्ट एक जॉब प्लेटफॉर्म है जिससे आपको मदद मिलेगी फ्री में अच्छी जॉब्स ढूंढने के लिए, आपके पास जॉब होगी तब आप ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प कर पाएंगे। कोरोना काल है और साथ साथ आता हुआ फेस्टिव सीजन है, इकोनॉमी में कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए, अपने लिए पहले हेल्प करिए और साथ में बाबा को हेल्प करिए, सपोर्ट करिए। बाबा जी के ढाबे से अब सीधा हम जा रहे हैं, बाय बाय कर देते हैं बाबा जी को, तो अब सीधा निकलते हैं, ठीक है, घर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया और बाबा जी का भी बस खाना खत्म ही होने वाला है, पनीर तो खत्म हो गए थे, तो लोग क्या कर रहे हैं दाल चावल खा रहे। तो भाई अपन अब निकलते हैं और प्यास से पूरी हालत हो रही है और 1:30 हो चुका है और आधे घंटे के अंदर पहुंचने लगे घर, और भाई ने भी बहुत मदद कर दी आज वीडियो बना के, हालत खराब इसकी भी होगी मेरी भी होगी, पर मेरे दोस्त खुश होंगे
और मेरे YouTube चैनल होगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हम निकलते हैं यहाँ से। और पानी यार बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी पानी। तो भाई वही तो कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ जाना है, किधर जाना है, या कहाँ का ब्लॉग बनाना है। मैं घर का बनाता हूँ पर बाहर का भी कह रहा हूँ कि आप मेरे को बताओगे तो मैं पक्का बनाऊंगा। तो भैया एंड हो गया, अब चलते हैं सीधा। तो यार बाबा जी के ढाबा का तो बना दिया मेरे दोस्तों का कहने पर, और अभी मैं बीच में आ रखा था, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर टेम्पल है, तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पर और आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है वैसे यार, वहाँ से उनसे मिल के भी आ गए और यहाँ पर थोड़ी देर मतलब स्पेंड कर रहे हैं टाइम, थोड़ा मंदिर को भी देख लेंगे, थोड़ा सा बैठ भी लेंगे और आपसे मैं थोड़ी सी बात भी कर लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर और ब्लॉग्स बनवाने हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रो और चैनल अच्छे से, क्योंकि मेरे दोस्तों की भी मैं सुन रहा हूँ, अपने YouTube चैनल में जो भी सब्सक्राइबर है उन सब की मैं सुन रहा हूँ। जब अगर वो कमेंट करके बताएंगे तो मैं खुश होऊंगा ना यार। ठीक है, अगर आपके ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और घर में जाके थोड़ा सा डांट खा लेता हूँ मैं भी, क्योंकि आधा मेरा लेक्चर जा चुका है, पर मैं कर लूंगा उसको, क्योंकि रिकॉर्ड होता रहता है वो, मैं उसको ले लूंगा क्लास को, मेरे को बाद में मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो घर के लिए मैं सीधा जाता हूँ, तो भाई को भी टेंशन दे रहा है। ठीक है, अब निकलते हैं।